हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अलर्ट में। तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से मैनेजर की पोस्ट आई है, जिसके लिए आपको टोटल 2000 पोस्ट मिलेंगे। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप एनी डिग्री हैं, यानी कि बीए, बीएससी या अगर आपने बीकॉम कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसका ऑप्शन नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दिया गया है। और यहीं हम जानेंगे कि आइए इस बार के SBI के 2019 में क्या चेंजेस हैं। तो दोस्तों, आप अप्लाई करने से पहले आप इसको ज़रूर से देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन की तरफ। कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑप्शन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो आप 2/4 से लेकर 22/4 के बीच में इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर का यह पोस्ट होता है, जिसको आपको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। यहाँ अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन PT एग्जाम का आपका डेट 1st week of July में है। यहीं आपका अगर हम बात करें रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन आपका 20/7 को, और उसका रिजल्ट 3 अगस्त 3rd week of August में यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आपका 2nd week of October में यहाँ जारी कर दिया जाएगा। यहीं बात करें इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ टोटल नंबर आपको 2000 पोस्ट मिलेंगे, जिसके लिए एक नया कैटेगरी यानी कि EWS कैटेगरी के 200 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, यानी कि दोस्तों अगर आपने BA, BSc या आपने कुछ भी कर रखा है एनी डिग्री, तो आप इस पोस्ट के लिए। बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें दोस्तों 3 सिलेक्शन प्रोसीजर है, यानी कि पहला PT एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। यहाँ SBI द्वारा एक नया चीज़ लागू किया गया, यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ चांसेज, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 4 चांस मिलेंगे। यहीं अगर आप जनरल OBC या EWS है तो आपको 7-7 यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। यहीं हम बात करें इसके ऑनलाइन फ़ीस की, तो इस बार ऑनलाइन फ़ीस में कुछ बढ़ोतरी की गई है। SBI द्वारा पिछले साल से 600 रुपये लग रहा था, लेकिन इस साल आपको जनरल OBC के लिए 750 और SC ST के लिए यहाँ पे 125 रुपये लगा करेंगे। यहीं हम बात करें इसकी सैलरी की, तो बहुत ही अच्छी सैलरी SBI द्वारा दी जाती है। यहाँ बात करें तो टोटल आपको सैलरी 13.08 लाख यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं आपका एनुअल है पैकेज। और दोस्तों यहाँ बात करें तो 8-20 से लेके 13-8 का यहाँ पे आपको पैकेज मिल जाया करेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी सैलरी मानी जाती है SBI जैसे बहुत ही अच्छे संस्थान में। यहाँ एक और चेंजेस की बात करें, तो इस बार पहले पिछले साल से क्या होता था कि 80% आपका वेटेज मेंस एग्जाम का रहता था और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहता था, लेकिन इस बार से SBI ने 75% वेटेज कर दिया है यहाँ मेंस एग्जाम का और 25% यहाँ इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन कर दिया है। यही दोस्तों एक मेजर चेंजेस SBI ने इस साल किया है। और बात करें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना कहीं भी सेंटर यहाँ के, इसका दोस्तों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देते रहे, वहाँ से आप देख के अपना सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आप जल्दी अप्लाई कर ले आप दोस्तों, तो नहीं तो बाद में सर्वर बिजी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए।